हाय एवरीवन, आई एम एनजे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है सरोजनी हॉल। तो बेसिकली ये एक प्री लॉकडाउन सरोजनी हॉल है, क्योंकि लॉकडाउन होने से पहले मैंने यहाँ पे सरोजनी नगर से कुछ शॉपिंग करी थी जिसकी वीडियो बनाना रह गया था एक्स वाई जेड रीजन की वजह से। तो फाइनली मैंने सोचा कि अब बहुत ज्यादा लेट हो गया है, तो क्यों ना वीडियो डाल दी जाए। तो फाइनली मेरी वीडियो कम्प्लीट हो गई है और मैंने यहाँ पोस्ट कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि इस बार मैंने सरोजनी नगर से क्या खरीदा। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, मैंने इस बार सिर्फ टॉप जैकेट्स वगैरह खरीदे और बॉटम मैंने कुछ नहीं लिया, क्योंकि बॉटम मुझे जमता नहीं है। तो मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कैसे कैसे क्या क्या आउटफिट्स यहाँ पे लिए हैं, सारे पहन के दिखाऊंगी मैं आपको। और यहाँ पे मैक्सिमम प्राइस मेरा सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज, उससे अंदर के ही सारे सामान मैंने यहाँ पे ले रखे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, तो पहला टॉप है मेरे पास यहाँ पे, ये पफी स्लीव वाला, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं प्रॉपरली, बट ये ऐसा दिखता है और चीता प्रिंट बोलो इसको, क्या बोलते हैं, चीता प्रिंट टाइप में है ये, और एनिमल प्रिंट बेसिकली। और यहाँ से ये इलास्टिक दे रखी है, पफी स्लीव्स है इसकी। तो ये मुझे मिला था सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ में, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ट्राई दूँ। तो ये थोड़ा ज़्यादा ही क्रॉप हो गया मेरे लिए, तो बट ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा अच्छा है फोटोज़ वगैरह खिंचवाने के लिए। तो सेकंड मैंने यहाँ पे जो ले रखा है वो है एक डेनिम जैकेट। तो बेसिकली ये एक ब्लू डेनिम जैकेट, और आप सभी को पता है कि सरोजनी नगर में डेनिम्स लेना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि काफ़ी अच्छे रेट में मिल जाता है। तो ये एक ब्लू कलर का डेनिम है, मेरे पास इस कलर का डेनिम नहीं था तो मैंने ये लिया, और ये मेरा 300 रुपीज़ में, जो मैं आपको बता रही थी कि सबसे हाईएस्ट प्राइस मेरा 300 है। तो एक इकलौता यही सामान आया है मेरा 300 रुपये का, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये मतलब आपके वेस्ट तक जाएगा, और इसे आप किसी भी ब्लैक टॉप के साथ कैरी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे इस टैंक टॉप के साथ कैरी किया है। तो जो नेक्स्ट मेरी परचेज थी वो है ये जैकेट, ये एक शॉर्ट जैकेट है और पूरा नेट में कपड़ा दे रखा है ये। इसको मैंने सोचा था कि ना मैं जो ब्राउन कलर की स्कर्ट होती है ना, ऑफिस स्कर्ट टाइप, पेंसिल स्कर्ट टाइप, उनके साथ इसको मैच करूंगी, लेकिन मुझे उस टाइप की स्कर्ट कहीं नहीं मिली, बट ये टॉप मिल गया तो मैंने सोचा इसे ले लेते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ का था, तो मैंने सोचा लेने में क्या ही जा रहा है अगर, और मतलब ये क्या था ना कि मुझे फिट आएगा या नहीं आएगा लाइक इस साइड में, तो थोड़ा टेंशन था, बट जब मैंने घर आके ट्राई किया तो मुझे आराम से फिट आ गया था। इस बार मैंने ब्लैक कलर के कपड़े ही ज़्यादा लिए हैं, क्योंकि मुझे ब्लैक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आई नो समर्स में कलरफुल लेने चाहिए, बट मुझे ब्लैक ही पसंद आ रहा था, जो चीज़ पसंद आ रही थी वो उसका कलर सिर्फ ब्लैक ही मिला था, तो मैंने ब्लैक ही ले लिया। तो या दिस इज़ ऑल्सो अ गुड परचेज। तो नेक्स्ट जो परचेज है मेरी, यहाँ पे एक और जैकेट है, ये ब्लैक एंड वाइट में जैकेट है, तो इसमें बहुत सारे लेटर्स लिखे हुए हैं, तो ये बहुत यूनिक लग रहा था तो मैंने ये लिया। और इसके अंदर आपको मिलती है कैप, और ये मटेरियल मतलब उस टाइप का नेट वाला मटेरियल है, और पूरा ट्रांसपेरेंट होता है। ये जैकेट मुझे सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ का मिला, बट पहनने के बाद मुझे इतना खास नहीं लगा जितना मैंने सोचा था कि लगेगा, बट ओवरऑल ये एक अच्छी परचेज थी, तो या आई एम हैप्पी विद इट। ओके गाइस, तो जो नेक्स्ट परचेज है मेरी वो अगेन ब्लैक कलर में है, और ये है एक वी नेक में टॉप। इसका मटेरियल बहुत सॉफ्ट है, मतलब मैंने यहाँ पे जितने भी कपड़े खरीदे हैं वो वेरी फर्स्ट वाले को छोड़ के, उसके अलावा सारे मतलब ब्रीथेबल कपड़े हैं, लाइक हम समर्स में उसको पहन सकते हैं, लेकिन वो जो फर्स्ट वाला टॉप था ना, वो उसका मटेरियल था खास नहीं था, वो लाइक सॉर्ट ऑफ पॉलिस्टर टाइप कपड़ा था, तो उससे बहुत ज़्यादा गर्म लगेगा मुझे आई एम श्योर। बट ये वाला कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, ये मतलब सॉर्ट ऑफ कॉटन जैसा ही लग रहा है मेरे को। तो ये वाले टॉप का प्राइस मैं आपको बताती हूँ, ये वाला टॉप मुझे मिला 250 रुपीज़ में। ये मतलब क्वालिटी इसकी सच में बहुत अच्छी है, तो मैंने सोचा 250 रुपीज़ में हम इसको दे ही सकते हैं। ओके, तो बहुत सारे ब्लैक ब्लैक देख लिया आपने, तो फाइनली एक दूसरा कलर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है एक बेसिक टी शर्ट जो मैंने ली थी, जिसको मैं ऑलरेडी काफी बार पहन चुकी हूँ, और ये मतलब पिंक कलर है, मजेंटा पिंक बोलो या पिंक, मतलब बहुत प्यारा वाला पिंक कलर है, और ये एक बेसिक टी शर्ट है, तो मुझे बेसिक टी शर्ट्स बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने ये पिंक वाली ले रखी है। तो ये तो सिर्फ 200, इस तरीके की सारी टी शर्ट सिर्फ 200 में आती है, तो ये 200 रुपीज़ की है। कॉटन में कपड़ा है, और 2-3 बार मैंने इसे वॉश भी कर दिया, तो अभी तक कुछ ख़राब वगैरह नहीं हुआ है, तो काफ़ी बढ़िया मटेरियल है इसका। ओके, तो एक और ड्रेस यहाँ पे मैं भूल गई आपको बताना, जो कि मैंने यहाँ पे पहन रखी है, और ये है एक खूबसूरत सी स्कर्ट, और ये मतलब ना देखते ही मैंने इसको जैसे देखा ना मार्केट में, मतलब दिल आ गया मेरा, मैंने कहा अब तो यही लेना है। ये फ्लोरल प्रिंट बोलो इसको, क्या बोलो मालूम नहीं, बट ये वाइट ऑफ वाइट और ग्रे कलर के एक कॉम्बिनेशन में है, और ये एक स्कर्ट टाइप में है, यहाँ से ये वो दे रखा है, क्या कहते हैं,
पतली सी स्ट्रिप है, इसका प्राइस सिर्फ 200 रुपीज है। मटेरियल इसका लाइक खादी कॉटन टाइप होता है ना, वैसा वाला है। और ओवरऑल ये बहुत ही क्यूट क्यूट सा ड्रेस था, तो मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया। लेकिन इसको पहन के ना कोई भी क्यूट लग सकता है, मैं क्यूट लग रही हूँ या नहीं मालूम नहीं, लेकिन बाकी लोग जरूर क्यूट लगेंगे इस टाइप के ड्रेस पहन के। तो ये बहुत 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 क्यूट वाली परचेज थी मेरी। तो 200 रुपीज में मुझे ये मिला है प्रोडक्ट और आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी विद दिस। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्या कहते हैं क्लचेज वगैरह होते हैं ना, जो बैग होते हैं छोटे छोटे, वो भी ले रखे हैं। लाइक अगर आपको उसका हॉल देखना है तो मुझे बता देना, मैं उसका हॉल भी अलग से बना दूंगी। 4-5 है मेरे पास जो मैंने ले रखे हैं। तो फिलहाल ये सिर्फ कपड़ों की थी, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ कपड़े दिखाए हैं और बॉटम्स मैंने नहीं लिए क्योंकि सरोजनी नगर का बॉटम्स मुझे जमता नहीं है। तो यार ये थी मेरी आज की वीडियो और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कौन कौन से टॉप मेरे सबसे ज्यादा बढ़िया लगे आपको कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और आगे कैसी वीडियो देखने उसके बारे में भी मुझे जरूर बताना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बी से बाय।